देखिए, अगर आपको यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट में अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपका रिजेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं हो रहा है, आपको इस तरीके से लिखकर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बैक चले जाना है। अब बस मुझे फॉलो कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। आप ओके बटन दबाइए यहाँ पर और यहाँ पर आप सेटिंग्स में आ जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसा आएगा। स्क्रॉल करना है आपको नीचे के बटन से। यहाँ आप एप्लीकेशंस में आ जाइए, देन आप यहाँ पर नंबर फर्स्ट वन नंबर पर कॉल का ऑप्शन देख पाएंगे। इस पर आपको ओके कर लेना है और यहाँ पर ऑल कॉल्स पे क्लिक कर लेना है। सेकंड नंबर पर आपको दिख जाता है ऑटो रिजेक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों ऐड नहीं हो रहा है ब्लॉक लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारे नंबर ऐड करके रखे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको अपनी लिस्ट को खाली करना होगा थोड़ा, जैसे एक दो नंबर आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसे करिए, यहाँ पर आप बैक आ जाइए। अब हम ऐड करेंगे नंबर को यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट में, तो ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये एडेड हो चुका है। ठीक है, अब आपको इसे रिमूव करना है, तो आपको सेम ट्रिक अप्लाई करनी है, सेम स्टेप। सेटिंग में जाना है, एप्लीकेशंस में जाना है, कॉल्स में जाना है, ऑल कॉल्स में जाकर ऑटो रिजेक्ट में जाकर देखिए यहाँ पर ये नंबर मुझे वापस से रिमूव करना है। तो यहाँ पर इसे डिलीट करके यस करके तो ये हट जाएगा इस तरीके से। ठीक है।